लक्ष्मण सेवा के स्वरूप है, सीता जी शांति स्वरूपा है और राम जी सत्य स्वरूप है। आप में सत्य भी हो, सेवा का भाव भी हो और शांति भी हो, गम भी खा लो, किसी ने तुमको कुछ झूठ भी कह दिया है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बैठकर मुस्कराइए, सब टल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य है, झूठ झूठ है, किसी के कहने से सूरज अंधेरा थोड़े हो सकता है, कोई नमक को कहे कि ये शक्कर है उसके कहने से थोड़े शक्कर हो जाएगी। आप ये मत घबराना, कोई आपकी निंदा करे निंदा से भी डरो मत, निंदा वाले काम करो मत और फिर भी निंदा कोई करे तो डरो मत, क्योंकि निंदा कई कारणों से लोग करते हैं। आपके लेवल पर वो भी पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए तो आपकी निंदा करने लग जाएंगे। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, निंदा करने से ये समझ लो कि तुम जिंदा हो, इसलिए निंदा है, और जिसकी निंदा भी नहीं और स्तुति भी नहीं तो समझ लो मर चुका, डेड बॉडी। निंदा तो उसी की होती जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो दुश्मन भी आते कहते चलो दफन करो भाई, अच्छे थे ठीक है। हाँ, और निंदकों को धन्यवाद भी देना। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। खार कहते कांटों को और गुल कहते फूलों को। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, वे फूल किस काम के जिनके पड़ोस निकलो। उन फूलों में सुंदरता नहीं, सौंदर्य नहीं, खुशबू नहीं, और तुम वहां रुको ना और खड़े होकर उन फूलों को देखने के लिए आंखें आपकी टिक न जाएं तो फूल बेकार है। कहते हैं उनसे तो कांटे अच्छे हैं कि जिन कांटों के पड़ोस निकलो तो तुम्हारे कपड़े फंस गए, तो कपड़े छुड़ाने में 5 मिनट लग गए, कम से कम उन कांटों ने तुमको 5 मिनट रोका तो सही। उन फूलों से बेहतर कांटे हैं, वे फूल तुमको रोक नहीं सके 1 मिनट अपनी सुंदरता में, तो ये कांटे अच्छे जो फंसा कर तो रोक लिया इन्होंने तुमको 5 मिनट तक। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, और उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी तो नाम लेते हैं, जलकर भी तो नाम लेते हैं। नाम तो आप ही का ले रहे हैं, जल रहे हैं और नाम आपका जप रहे हैं। सीधे बैठो। तो मेरा प्रसंग था भगवान किससे प्रेम करते हैं, आज यही विषय था। जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है उससे गुरु भी प्रेम करता है और इष्ट देव भी प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, संसार में धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है। निर्धन सोचता है कि मेरे पास में धन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, और धनवान सोचता है कारोबार बहुत लंबा चौड़ा हो गया है इसलिए दुखी हूँ। तो जो मनुष्य के मन में दुख है, इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं दुख का कारण धनवान और निर्धन होना नहीं है। मनुष्य की अशांति और मनुष्य का दुख उसके स्वभाव, उसकी भावना और उसकी वाणी
और उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। नास्ति बुद्धि एकतस्सी न च एकतस्सी भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। अशांत हृदय वाले को सुख कहाँ मिल सकता है? मैं गुजरात में सत्संग करने जब जाता हूँ तो वहाँ के लोग यही आशीर्वाद मांगते हैं, शांति दीजिए शांति, संपत्ति नहीं मांगते, क्योंकि गुजरातियों के पास में संपत्ति तो है, शांति नहीं है। और मध्य प्रदेश में संपत्ति भी नहीं है, शांति भी नहीं है, दोनों खत्म है, कम है। संपत्ति भी हो जाए और शांति भी हो जाए, ये दोनों में बड़ा विरोधाभास भी है। किसी किसी को संपत्ति तो मिल गई पर शांति बिल्कुल नहीं, शांति जो थोड़ी थी वो भी खो गई, इसलिए लोग अपने कारोबार को कहते हैं ये झंझट बहुत है। झंझट इसीलिए कहते हैं कि उसमें अशांति हो जाती है। टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला सीखो। हंसते हंसते मैनेजमेंट करो, मुस्कुराते मुस्कुराते अरेंजमेंट करो, ताली बजा करके व्यवस्था करो। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में एक गरीब घर का बालक था, एक बार दौड़ता हुआ जा रहा था, गलियों का मोड़ था, मोड़ पर सामने से दिख नहीं रहा था कि कौन आ रहा है, तो किसी से टकरा गया, पैदल में टकरा गया। कभी कभी पैदल में भी एक्सीडेंट होता है, पैदल पैदल लोग लड़ जाते हैं। लड़ना तो मनुष्य की आदत है, लड़ता रहता है। अगर सासु बहू से लड़ती है तो ससुर जी आराम में, अगर उनकी लड़ाई बंद हो जाए तो ससुर निशाने पर आ जाएगा। किसी घर के ससुर से किसी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी और बहू दोनों बीच बीच लड़ती हैं, इनको समझाते क्यों नहीं? तो उसने कहा जब तक ये दोनों लड़ती हैं तब तक ही मैं सुरक्षित हूँ। ये जिस दिन नहीं लड़ेंगी तो दोनों मेरे ऊपर ही टूट पड़ेंगे, इसलिए मैं देखता रहता हूँ। ज़्यादा हो जाता तो कंट्रोल कर देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। कुछ लोगों का लड़ने का स्वभाव होता है, किसी न किसी से लड़ेंगे, लेकिन लड़ने से जो शांति है वो नष्ट हो जाती है। तर्क उतर्क करने से भी शांति नष्ट होती है, बात को काटने से भी शांति नष्ट होती है, और किसी को बहुत ज़्यादा समझाने से भी शांति नष्ट होती है। इसलिए बहुत किसी को समझाना भी मत, ये भी मत समझना कि ये सब मूर्ख ही है, थोड़ा थोड़ा सबके समझ है, और जो समझना चाहता है वो बिना समझाए भी समझ जाएगा, और जो समझना नहीं चाहता तुम कितना समझाओ समझाओगे उतना ही उलझ जाएगा। इसलिए थोड़ा समझाओ फिर शांत हो जाओ, उसको सोचने का मौका दीजिए।
नेपोलियन बोनापार्ट दौड़ता हुआ जा रहा, और दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज दौड़ता हो, उसे न योगा करने की जरूरत है, न प्राणायाम की जरूरत है, न कोई प्रकार के व्यायाम की जरूरत है। दौड़ने से सारा हो जाता है। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और सोना, गहरी नींद सोना संपूर्ण विश्राम है। विश्राम गद्दे से नहीं मिलता है, विश्राम डबल बेड से नहीं मिलता है, विश्राम मखमल की सेज पर नहीं मिलता है, विश्राम तो गहरी नींद से मिलता है, और गहरी नींद पैसे से नहीं मिलती है। बिस्तर तो पैसे से मिल जाता है, परंतु विश्राम नहीं मिलता है। माइक तो पैसे से मिल जाता है, पर बोलने की कला नहीं मिलती। कलम तो पैसे से खरीदी जा सकती, पर लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए पैसा भी कहीं जाकर छोटा हो जाता है, और पैसा भी कहीं जाकर व्यर्थ हो जाता है। पैसा भी एक स्टेज पर जाकर के काम करना बंद कर देता है। कितने लोग बिस्तर के लिए इतने उलझ गए कि बिस्तर तो मिल गया लेकिन विश्राम खो गया। बिस्तर मीडियम हो चिंता मत करना। कितनी महिलाएं गले के चैन के लिए इतना उलझ गई कि पति का गला दबा दिया कि जब तक गले की चैन नहीं लाओगे तुम्हारा गला नहीं छोड़ूंगी। पति बोलता है आज छोड़ दो गला, कल ला दूंगा। गले में चैन आ गई फिर भी जिंदगी में चैन नहीं। ये सोने की चैन आपको जिंदगी में चैन नहीं दे सकती। सोने की चैन पहनना चाहिए, मैं नहीं मना करता हूं कि मत पहनो, लेकिन मैं नहीं पहनता हूं और ना मैं पहनूंगा, क्योंकि हमारे तो रोम रोम में चैन है, एक चैन क्या करूंगा। हमारे पास पूरी चैन ही चैन, चैन का भंडार है, चैन का स्टोर है, चैन का स्टॉक है, चैन के होलसेल के निर्माता विक्रेता हम हैं। कौन चैन? सोने की चैन जिंदगी में चैन दे देता हूं और फ्री दे देता हूं। जिंदगी में चैन आ जाए, गले में चैन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। सोना चांदी तो महिलाओं का आभूषण है, लेकिन याद रखना पति यदि संकट में है, पति संकोच में है, तो पति के संकोच को मिटाने के लिए सोना चांदी के आभूषण का त्याग कर देना, तो तुम्हारा नाम सीता होगा और फिर तुम्हारा पति राम जैसा सुंदर हो जाएगा। जिस समय राम गंगा के तट पर केवट की नाव से उतरकर संकोच कर रहे थे, सीता जी राम के मन को पढ़ लेती है। किताब पढ़ना आसान है, इंग्लिश पढ़ना आसान है, हिंदी बोलना पढ़ना आसान है, लेकिन किसी के मन को पढ़ना बहुत कठिन है। मन को पढ़ लेना, और जो पत्नी अपने पति के मन को पढ़ लेती है वो अपने पति को बड़ी सरलता से डील कर लेती है, और जो पति अपनी पत्नी के मन को पढ़ लेता, रीडिंग कर लेता है, वो अपनी पत्नी को आसानी से डील कर लेता है। और दूसरों को पढ़ना जिसको आता है, रीडिंग करना आता है, वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फील्ड में भी सफल होता है, और राजनेता राजनीति में सफल होता है, और वो संत धर्म प्रचार में सफल होता है जो दूसरों को रीडिंग करता है। कोई आदमी अपने दिल की बात मुंह से कह दे तब तुम समझो, ते तो कम बुद्धि का लक्षण है। मुंह से कह दिया तब उसको समझ पाए, मुंह से कुछ न कहे उसके मुंह को देखकर समझ जाओ।
और आदमी का मुंह ऐसा है कि जो अंदर सोचता है वो मुंह पे लिख कर आ जाता है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल, चेहरा संपूर्ण लिस्ट है। तुम्हारे मन में जब गुस्सा आती है ना, चेहरा बदल जाता है। तुम जब प्रसन्न होते हो फिर चेहरा बदल जाता है। तुम्हारे मन में चोरी का भाव आता तो चेहरा बदलता है। चोरी करते नहीं, केवल भाव आ जाए। तुम्हारे मन में वासना आती तो चेहरा बदल जाता है। श्रद्धा पैदा होती तो चेहरा बदल जाता है। और चेहरे को रीडिंग करना, ये तो बहुत मोटी रीडिंग है। आँखों को भी रीडिंग करना चाहिए। आँख भी बहुत कुछ बता देती है। और मुस्कान को रीडिंग करना कि इतना मुस्कराया, इतनी होंठ खोला तो क्यों खोला, इससे ज़्यादा खोला तो क्यों खोला और ठहाका मारकर हंसा तो क्यों हंसा, इसको भी रीडिंग करना। और इसको कहते हैं अतींद्री क्षमता। ये इंद्रियों से परे ज्ञान है, अतींद्री ज्ञान है। अतींद्री क्षमता जागृत हो गई है। जो शिष्य अपने गुरु को रीडिंग कर लेता है, वो ऐसे ढंग से सेवा करता कि उसका गुरु उस शिष्य के प्रति प्रेम से भर जाता है। ये सारा संसार एक दूसरे को पढ़ने से चलता है। सीता जी बहुत साइकोलॉजिकल थी। सीता कोई ऐसी वैसी नारी नहीं थी कि बार बार ढोल जैसे थपाक मारना पड़े तब समझ पाए। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। नंबर एक होती है ढोल बुद्धि, नंबर दो कंबल बुद्धि, नंबर तीन चमड़ा बुद्धि, नंबर चार केला पाती बुद्धि, नंबर पांच टेप रिकॉर्डर बुद्धि। अब मैं वर्णन कर देता हूं, फिर तुम सोचना कि तुम्हारी ढोल बुद्धि है कि केला पाती बुद्धि है, क्या है। मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमको रहना है एक दिन और यहाँ पर आपको खुद ही फील हो जाएगा। ओपन कर दो, आज करूं कि कल करूं, बोलते क्यों नहीं आज। हाँ बात सही, ढोल की पोल खुल जानी चाहिए अभी कर देता हूँ। बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ढोल बुद्धि उसे कहते हैं जैसे ढोल होती है ना, उसमें जितनी बार हाथ मारो उतनी बार ही आवाज़ करती है। अगर हाथ मारना बंद कर दिया आवाज़ बंद हो गई। यानी जिनकी ढोल बुद्धि होती है उनको जितना बताओ उतने करेंगे, बताना बंद कर दिया ढोल की तरह बैठे फिर कुछ नहीं करेंगे इसमें लोग बहुत लोग सोच लिए होंगे हम ढोल हैं दूसरी बुद्धि बहुत अच्छी है, उसका नाम है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि किसे कहते हैं? कंबल, कंबल जो सर्दियों में तुम ओढ़ते हो ना, वो कंबल। अब तो ये गर्म चादरें आती, ये अलग चीज। कंबल थोड़ा मोटे धागे से बनता था, उसको कंबल कहा जाता था। तो कंबल में क्या होता है, उसमें कोई सलाई, कोई पतली राड डालकर छेद करो, तो जब तक राड अंदर डाले रहोगे तब तक तो छेद रहेगा, और राड निकाल लोगे छेद खत्म, फिर ढूंढे नहीं पाओगे कहाँ छेद किया था। तो जिनकी कंबल बुद्धि होती है, जब तक उनको डांटते रहो पीटते रहो तब तक तो कुछ समझ में आ गया, और जो ही आपने डांटना ठोंकना बंद कर दिया बस बेवकूफ बने खड़े कंबल बुद्धि
जैसे के तैसे, ऐसा नहीं कि कुछ विकास कर गए। तीसरी बुद्धि है चमड़ा बुद्धि। चमड़े में जितना छेद कर दो उतनी छेद रहता है, न बढ़ता है न घटता है। तो जिनकी चमड़ा बुद्धि होती है उनको जितना समझा दो उतनी समझ रहेगी, जरा भी विकास नहीं कर सकते हैं, वो चमड़ा बुद्धि होता है। और चौथा है केलापाती बुद्धि। केलापाती बुद्धि केलापाती बुद्धि का अर्थ क्या है? केलापाती बुद्धि, केले की पत्ती को थोड़ा सा फाड़ो एक अंगुल तो चार अंगुल फट जाती है। तुम एक छड़ी मार दो या थोड़ा सा फाड़ो तो ज्यादा फट जाती है। तो जिनकी केलापाती बुद्धि होती है उनका थोड़ा समझाओ, थोड़ा इशारा करो, थोड़ा संकेत करो, वो ज्यादा समझ जाते हैं, फालतू समझ जाते हैं। बहुत एडवांस माइंड होता है केलापाती बुद्धि। और पांचवी बुद्धि होती है टेप रिकॉर्डर बुद्धि। टेप रिकॉर्डर बुद्धि का मतलब है एक बार बटन दबा दिया कैसेट बजती रहेगी, फिर बार बार दबाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एक बार उनको आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया, फिर वो काम चालू रहेगा आपका, लेकिन खुद विचार वो भी नहीं करेंगे। और छठी होती है विवेक बुद्धि। जो विवेक बुद्धि का व्यक्ति होता है उसको कोई भी तुम आदेश दो या न दो, उपदेश दो या न दो, समझाओ या न समझाओ, लेकिन वो जहां पहुंचता है, जहां खड़ा होता है, वहां स्वयं दिमाग से सोचता है, विचारता है और सही डिसीजन लेकर के बिना आदेश के भी रिजल्ट सही ला करके दे देता है। विवेक बुद्धि। प्रार्थना करना कि हे गुरु महाराज हमें विवेक बुद्धि मिले, ये ढोल बुद्धि वापस ले लेना। ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम, ढोल बुद्धि। बुद्धि को कुशाग्र कीजिए। बुद्धिहीन लोगों को हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, हनुमान जी की याद करो। हनुमान जी के स्मरण का अर्थ क्या है? हनुमान जी श्री राम के भक्त थे, तुम भी भक्ति करो तो आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी। भोजन कम करो, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। पानी अधिक पियो, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। घी कम खाओ, बुद्धि बढ़ेगी। घी बिल्कुल नहीं खाओगे, बुद्धि रुक जाएगी। थोड़ा खा लीजिए, आधा चम्मच। लंबी सांस, लंबी सांस लेने से भी बुद्धि बढ़ेगी। कितने लोग तो बहुत धीरे सांस लेते हैं, ऐसे सुन 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 करते रहते हैं। थोड़ा लंबी सांस भी लो। जोर से हंसने से बुद्धि बढ़ती है। और आदमी की ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है उसका हंसना घटता है, खुशी घटती है, प्रसन्नता घटती है, इसलिए स्मरण घटता चला जाता है। आपको गलत नहीं बता रहा हूं, भगवान कृष्ण जिंदगी भर हंसते रहे और जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और जिंदगी भर उठा पटक लगी रही। ये जिंदगी में जो संघर्ष है, तुम रोओगे तो भी संघर्ष रहेगा, हंसोगे तो भी संघर्ष रहेगा, मुस्कुराओगे तो भी संघर्ष रहेगा, टेंशन करोगे तो भी संघर्ष रहेगा, संघर्ष रहेगा, एक दिन तुम नहीं रहोगे। इसलिए हंसते हंसते संघर्ष का मुकाबला करो तो एक दिन संघर्ष भी नहीं रहेगा। हंसना कोई आसान नहीं है और अकेले में हंसना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबके साथ में हंसना यह आपकी रिजर्व हंसी नहीं है, ये तो धक्का मार हंसी है कि सब हंस रहे थे इसलिए हंस दिया। लेकिन अकेले में हंसना, कमरे में हंसना, बिस्तर में लेटे लेटे हंसना, ज्यादातर
आदमी अकेले में तो बहुत उदास हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है। कभी किसी आदमी को अकेला बैठा हुआ देखो तो तुमको लगेगा कि आदमी बैठा है कि कोई भूत प्रेत बैठा है, भयानक मुंह बनाकर बैठता है। अकेले में मुस्कुराओ, पेड़ पौधों को देखकर मुस्कुराओ, पशु पंछियों को देखकर मुस्कुराओ, किसी की गाड़ी को देखकर मुस्कुराओ। आंखें बंद करके मुस्कुराओ। हंसने वालों के लिए, खुश रहने वालों के लिए, प्रसन्न रहने वालों के लिए ये धरती स्वर्ग है, ये धरती स्वर्ग है। टेंशन में रहने वालों के लिए, उलझन में रहने वालों के लिए, क्रोध में जीने वालों के लिए ये संसार पूरा नरक है, संसार नरक। और एक बात ये भी याद रखना, बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान देना इस पर। जब एक कहावत आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, सुना है? नहीं सुना, सुन लो। जो खरबूजा होता ना, वो खेत में जब एक खरबूजा पकता है तो उसके पड़ोस के सब खरबूजे पक जाते, वो भी रंग बदल देते, सब पीले रंग के हो जाते। ऐसे मनुष्य की जिंदगी तो खरबूजा भी है, ये खरबूजा है। अगर आप घर में खुश रहते हो तो आप घर में दो चार लोग और खुश हो जाएंगे, आप उदास रहते हो आपकी उदासी को देख करके दो चार लोग उदास हो जाएंगे, आप नाराज रहते हो तो दो चार लोग और नाराज हो जाएंगे, आप हंसते हो तो आपके साथ में पूरा घर हंसने लगेगा। इसलिए याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, तुम्हारी जिंदगी बहुत से लोगों से जॉइंट है, तुम्हारी जिंदगी बहुतों से कॉन्टेक्ट है, तुम्हारी जिंदगी फ्रीडम नहीं है, तुम्हारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसलिए आप अपने लिए भी खुश रहो, लेकिन दूसरों की खुशियों का ध्यान रखकर भी खुश रहो, अन्यथा तुम्हारी उदासी सबको उदास कर देगी। अपने माँ बाप से मिलो तो खुश होकर मिलो और कहो पापा सब ठीक है, माँ चिंता मत करना सब अच्छा है। और वाइफ से मिलो, मुस्करा दो। कैसा मुस्कराना है? जैसा जब शादी हुई थी ना, उस समय मुस्कराए थे, इस शादी वाली मुस्कान शादी के बाद दोबारा लौट कर आती नहीं। बस पत्नी विदा होकर आती है, तुम अपनी मुस्कान भी विदा कर देते हो। पत्नी का नाम तो मुस्कान है, एक मुस्कान लाए हो, अपनी मुस्कान खो दी हो। खुश हो जाओ। जय हो, जय हो। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। मुस्कराते रहो, गाओ गुनगुनाते। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो। ये तो मैं आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूं, तुम रोना चिल्लाना नहीं है। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, सरल सरल बनो। पानी सरल है और तरल है। पानी को गिलास में रख लो तो सेट, थाली में रखो तो सेट, कटोरी में रखो तो सेट। लेकिन पानी जब बर्फ बन जाता है ना,
यदि थाली में बर्फ बन गया तो गिलास में सेट नहीं होगा, फिर कटोरी में सेट नहीं होगा, फिर उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ कर टुकड़े करके सेट करना पड़ेगा। याद रखना, दुनिया में यदि कठोर हो गए तो आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलने वाली है, अगर सरल और तरल हो गए और सब जगह सेट होना सीख लिया तो आपको सब जगह एडजस्ट होने की कला चाहिए।